यही होते सूर्य भगवान का मूर्ति, ये प्रभास सूर्य। प्रभु जी सुबह से नहाने के बाद में वो चूल को कपड़ा से बांधिए, थोड़ा बच्चा जैसा हंस रहे हैं, उनका पीछे जाके देखा वो मध्यान्ह लाइन लगेगा, लाइन चलिए आगे। अरे यार दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ जगन्नाथ पुरी। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम निकले हुए हैं पूरा पुरी का जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ घूमने के लिए, और हमने एक बस की बुकिंग की, टूरिस्ट बस की बुकिंग की हुई है। तो टूरिस्ट बस की बुकिंग की और 6-7 स्पॉट्स है जहाँ हमें जाना है। तो गाइज ये हमारा सेकंड स्पॉट है। वैसे तो सारे स्पॉट्स के मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉग बना रखा है, वो आप जाकर के ज़रूर चेक कर लेना, बट दो स्पॉट्स हैं जिनका मैं अलग अलग सेपरेट ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये स्पॉट्स थोड़े बड़े हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इनको घूमने में, और एक ही मैं अगर मर्ज कर दूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जितना लंबा मैं करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये है मेरा सेकंड डेस्टिनेशन, हम लोग जा रहे हैं सन कोणार्क टेम्पल, और एक और है वो है नंदनकानन व्यू। तो दो व्यू मेन पॉइंट है जहाँ पे हमें जाना है, और इन दोनों के मैं अलग अलग सेपरेट ब्लॉग्स बनाऊंगी। तो ये पहला वाला है, हम जा रहे हैं सन कोणार्क टेम्पल, चलो ये आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द वे गाइस, भूख लगी है। ओके गाइस, तो चलो हम लोग जा रहे हैं सन कोणार्क टेम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये ना भुवनेश्वर पुरी का एक ऐसा टेम्पल है जो कि जहाँ पे कि पूजा वगैरह नहीं होता है, एंड अपवित्र टेम्पल इसे कहा जाता है। और इसके पीछे एक स्टोरी है, बिहाइंड स्टोरी है, वो ये कि एक राजा थे जिनको बेटा नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, मैं तो चिल्ला के बोल रही हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर उनको बेटा हो जाएगा, मतलब उन्होंने एक मन्नत मांग के रखी थी कि अगर उनको बेटा हो जाएगा तो वो एक सन टेम्पल बनाएंगे, वो भी विद इन 12 ईयर्स, यानी 12 साल के अंदर वो सन टेम्पल बनेगा। और अगर वो सन टेम्पल नहीं बना तो जितने भी मजदूर उसे बना रहे उनका वो गर्दन काट देंगे, ठीक है। तो ये मन्नत उन्होंने रखा और उनको बेबी हो गया, एक बेटा उनको हो गया, पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। तो उन्होंने ये वाला टेम्पल, सन कोणार्क टेम्पल बनाना चालू करवाया, लेकिन 12 साल के पहले ही उनके ही पुत्र ने किसी कारण की वजह से इसी मंदिर में आकर के आत्महत्या कर लिया। पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हो गई, उतना मुझे नहीं पता, जितना मुझे गाइड ने बताया वो आपको बता रही होगा, ठीक है। तो उनके खुद के बेटे की ही मृत्यु हो गई यहाँ पे किसी वजह से। तो इस वजह से ना यहाँ पे तो मंदिर तो कंप्लीट हो गया लेकिन मृत्यु हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होता है, अपवित्र हो गया है ये मंदिर। और यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, फ़ोन वगैरह जमा नहीं होता, जूते चप्पल नहीं उतारने पड़ते, पूजा पाठ नहीं होता, बस हम घूमने के लिए जा रहे हैं। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं, जस्ट मेरे सामने ही टेम्पल है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये है हमारा सन टेम्पल, सन कोणार्क टेम्पल, हम लोग बस जा रहे हैं और हमारे टूर गाइड भी हमारे साथ ही है। ये हमारे टूर गाइड, हेलो जगन्नाथ, यहाँ आइए। दिस इज द सन कोणार्क टेम्पल। मैं आपको 20 मिनट घुमा दूंगा आराम से पूरे चारों मंदिर, लेकिन आपको 10 मिनट टाइम दूंगा अपना अपना फोटोग्राफ खींचने के लिए। फोटोग्राफ खींच के सीधा देखो, वो जो रास्ता है ना वही रास्ता से निकला, निकलने के बाद में पूरा स्टेट अपना होटल आ जाएगा। ओके, देखो हम लोग भारत में जितने हिंदू मंदिर चाहता हूँ, कोई माता जी मंदिर होता है शक्तिपीठ, तो मेन दरवाजे पर दोनों साइड
एक्साइटमेंट ऑफ शेर देखने मिलते हैं। तुम टेम्पल चल जाओ तो शेर का नीचे हाथी देखने मिलते हैं, लेकिन भारत में एक ही मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, नीचे देखिए एक आदमी है। आदमी आत्म को दबाया हाथी, हाथी को दबा दिया शेर। ये आत्माओं का भरत राजा जिसी का नाम लेके कंट्री का नाम बोलते हैं भारतवर्ष का सनातन धर्म। सनातन धर्म को बीच में राम के तब बौद्ध धर्म बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि बौद्ध धर्म सिंबल हो गया हाथी। बौद्ध धर्म को टाउन कौन करना हिंदू धर्म, हिंदू में सिंबल हो गया दुर्गा का बांध से। ओके दूसरा मतलब शेर बोलते ताकत, हाथी बोलते गजलक्ष्मी पैसा। पैसा और ताकत ये दोनों चीज एक मनुष्य का पास होने से गमट अहंकार ईगो सृष्टि करते हैं, आदमी लास्ट में से डाउन हो जाता है। इसकी मतलब कोई मंदिर के अंदर जाने के आगे से मन के अंदर में जितना ईगो अहंकार है ना परित्याग करके मन के अंदर से बाहर में छोड़ के कोई मंदिर के अंदर में जाने से भगवान को ही दर्शन मिलते हैं। भगवान दर्शन करने के लिए सारी चीज की कोई जरूरत नहीं। मतलब होता है अष्ट प्रहर दिन चापर रात चापर, इनके अंदर में खुदाई है। आदमी 24 घंटा में दिन 12 घंटा में क्या काम करते हैं, रात को क्या करते हैं, इज नेम इज लाइफ सर्कल जीवन चक्र। ये होता है ईस्ट, ईस्ट की लाठी ये वाला है, ये जो गोल के अंदर में जो एक पत्थर का मूर्ति है ना। सुबह 6 मिनट टाइम से एक लड़की सुबह से उठ के बेड में बैठ के अंगलाई अलस तोड़ रहे, उनका नीचे चलो 8 से 9 के अंदर में नहाने के लिए जा रहे हैं, दोनों बगल में दोनों दासी उनको जो सामान जो कपड़ा वगैरह चाहिए उनको दिला रहे हैं, उनका नीचे चलो। शाम को 3 से 4 के अंदर में घोड़े के ऊपर बैठ के फॉरेस्ट को जा रहे हैं हंटिंग बस शिकार करने के लिए, एकदम नीचे वाला लाठी। शाम को 6 मिनट टाइम से मिले पकड़ ड्रेसिंग सिंगार मेकअप जिसको बोलते हैं, तल एक लाठी 3 घंटा, 1 2 3 4 लाठी 12 घंटा, ये चला गया दिन का काम। और इस तरफ जो चार ठहर गया ऑल इज नाइटिजन वर्क, ऑल इज एंट्रकोस एरोटिक कल्चर, आप खुद देखने से समझ सकते हैं। फैमिली है थोड़ा देख आई प्लीज वही था सूर्य मंदिर। ये मंदिर इनसे 100 फीट और ज्यादा ऊंचा था, ये टूटने का बाद में भी 90 फीट है, आसपास में 140 फीट टूट गया। ये जब टूट गया तब को बचाने के लिए बंद किया और भगवान को निकाल के यहाँ लगा दिया। ये जो काले वाला मूर्ति देख रहे हैं ना ये होते है सूर्य भगवान का मूर्ति, ये प्रभास सूर्य। प्रभु जी सुबह से नहाने के बाद में वो चूल को कपड़ा से बंधिए थोड़ा बच्चा जैसा हंस रहे हैं, उनका पीछे जाके देखा मध्यान सूर्य 12 हो गया, ज्यादा रोशनी चलाया, सिर को एक टोपी होगा, मुंह का भाव थोड़ा गंभीर होगा, आप इसको बोल सकते हैं युवक। अस्तगामी सूर्य प्रभु जी दिन भर के घूम घूम के थकी हुई है इसलिए घोड़े को बैठ के घर पर चल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्ध। बच्चा युवक वृद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता। सूर्य बोलते सकल शक्ति का आधार, सूर्य से बड़ा कोई नहीं। आप लोग जगन्नाथ जी दर्शन हुआ ना, अब थोड़ा सा निकले मार्केट बाहर, बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रीट शॉप लगा हुआ है। सबसे पहले हमने खाया गुलाब लाओ 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 बहुत गंदी है गाइस, ये बहुत गंदी है। रास्ता इधर है। हाँ तुम भी दो ना अपना गाइस, मेरे पैसे का खा रहा है गाइस, मेरे पैसे का दो दो जल्दी दो ना भाई, दो झूठा नहीं खाना चाहिए, दो ना झूठा कर देखो कोई बात नहीं दो। गाइस बहुत ज्यादा महंगा है सारी चीज, फिर मेरे लल्ला बार बार टोपी उठा दो। वांट दिस क्या लल्ला, चलो ना बहुत ज्यादा गाइस यहाँ पे एक्सपेंसिव है सारी चीजें, बहुत महंगा है। बच्चे नाश्ता गरम करो। पूरी के पास वाला जो जो मतलब बीच के पास जो मार्केट लगता है वो तो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा सस्ता है, और उसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा महंगा है। पता है भाई क्या किया, कैमरा में दिखा दिया ऐसे पूरा गोला में मुंह घुसा के खा लिया। गाइस तो बंद कर, बंद करो ना मेरा वाला अकाउंट। हम लोग सन टेंपल घूम करके वापस से अपनी बस में आ चुके हैं, एंड चेहरे का हालत देख के पता लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा ठंडी है यहाँ पे। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। तो चलो अब हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन में जाएंगे। अब हम लोग जाएंगे गाइस नंदन कानन, वो शायद लास्ट में जाएंगे, उससे पहले बाकी सब स्पॉट जो है ना वो दूसरे वाले ब्लॉग में रहेगा, तो वहाँ आप जाकर के देख लेना ठीक है। और पेट पूजा कर लिया है हमने, ये वाला आइसक्रीम अच्छा नहीं होता है। हाँ
आ चुके हैं अपना लास्ट डेस्टिनेशन जो है नंदन कानन जू। तो चलो चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग 4 बजे पहुँचे हैं और वापस रिटर्निंग यानी बस हमारी 5:30 बजे खुलेगी। 1.5 घंटे में हमें पूरा जू घूमना है। देखते हैं कौन कौन से जानवर मिलते हैं। सबसे बड़ा जानवर जो वीडियो बना रही है और सबसे बड़ा जानवर जो पीछे पीछे आ रही है ना पागल जैसे वही है। आपसे कम मार कर लेते हैं गाइस हम लोग यहीं पर। ठीक है तो ये गाइस पहुंचे हम नंदन कानन। सामने है एंट्री। चेक देखो जाके क्या हुआ। आओ ना मम्मी गई गाइस बैग चेक करवाने के लिए। अरे हमारे गाइड कहाँ चले गए। ये रहे इज नॉट अलाउड गाइस। 40 रुपीज़ फाइन लग रहा है आप प्लास्टिक ले जाने पे। और कुरकुरे चिप्स वगैरह कोई ला रहा है तो प्लास्टिक फाड़ के ऐसे रैपर पेज में रपेट करके दे रहे हैं। चलो वृद्धि वो कौन सा जानवर देखना कुत्ता बिल्ली रोज देखते हैं ये तो नहीं हम भी रोज देखते हैं। बहुत ही लड़की बदला लाइन लगे गाइस लाइन वा वाला रखो चलिए आगे चलिए कागज तक की टिकी टिकट फट चुका है गाइस एंड हम आ चुके हैं। अरे वाओ ये देख गाइड मैप मैप देख के ना जाएंगे इधर उधर थोड़ी ना चल जाएंगे। चल चलिए हुआ तुम्हारा रुको रुको मम्मी। अरे बड़ी मौसी मम्मी रुको चल 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 यार यहाँ फोटो वोटो नहीं खिंचाएंगे क्या। वेयर इज गाइड मैप गाइस ये गाइड मैप है इसे ही देख करके हमें घूमना है लेकिन समझ में घंटा नहीं आने वाला कुछ सीरियसली कुछ नहीं होगा। रोपवे वगैरह भी है यहाँ अवेलेबल। गाइस तो हम लोग यहाँ लाइन में लगे उस गाड़ी में बैठने के लिए इस गाड़ी में बैठने के लिए और ये लाइन देख रहे हो कहाँ जा रही है देख पता नहीं कहाँ जा रही है और हमें बैठनी है उस वाली गाड़ी में क्योंकि पैदल चल नहीं सकते गाइस बहुत ज्यादा दूर है। 4:30 यहीं बज चुका है। चलो एक बार फ्रंट कैमरा करके दिखा दो जनता जानना चाहती है कि आप यहाँ अपने प्रजाति के लोगों से मिलने आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है। सब्जी बनता है बोलिए बोलिए बता दीजिए। बहन लोग से नहीं दोस्त लोग से मिलने आए तुम्हारे। दिस इज अवर गाड़ी आप यहाँ जाना गाड़ी गाइस। अच्छा सब वीडियो हम लोग बैठे पीछे पीछे बैठे पीछे पीछे देखो देखो 8-4-12 हो गया एक सीट में 5 लोग किसी जाओ। अरे यहाँ तो बंदर है रेप्टाइल पार्क में गाइस बंदर भी दिख वो क्या है अंदर बंदर है काला बंदर वो तो है तो अंदर आई ना स्कुरल मंकी है स्कुरल मंकी स्कुरल मंकी गाइस स्कुरल मंकी वो देखो कूद जाओ यार एक बार और कूद जाओ। हेलो अरे अभी बढ़िया कूदा था ना दिखा दे।
पूरी भाई साहब गाइस जिराफ। अरे यार एक ही जिराफ है पूरे जू में, इधर ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच गाइस भैया तो लोग तो हट गए ओ अनेक गुना छे तो बोल रहा है टाइगर। ये क्या सामने, वो क्या सामने उधर, वो देखो ना वहाँ, व्हाट आर यू डूइंग टाइगर गाइस, टाइगर टाइगर गाइस सेक्सी वॉक। ये भाई सेक्सी वॉक है, अरे टाइगर का वॉक बहुत अच्छा होता है, लाइन टाइगर बाय बाय, कैट वॉक टाइगर घुस गया गया घर, बाय बाय, फिर से निकल गई है, उसके सामने जाएंगे हम खा लेगा नहीं, बड़ा फ्रेंडली है। हाँ हाँ हम बैठ गया अभी यहाँ पे था, क्या हुआ हम लोग वहाँ पे इतना सामने से वीडियो बनाए दिखा रहे हैं। ओके गाइस तो आज के सारे टूर्स खत्म हुए हैं, मैंने भी घूम लिया और आप लोगों को भी घुमा दिया है सारी चीज़ें, तो कमेंट करके बताना कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और जो भी जगह मैंने घुमाया वो सारी जगह आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप उड़ीसा आए और इन सब जगहों में घूमे हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। तो अब तो अभी तो हम लोग घर ही है, अभी हमें घर रूम तक जाने में 1.5 घंटे आई थिंक सो लग जाएंगे, तो इसीलिए मैं ना अब इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ गाइस। शक्ल देख के हालत बता सकते हो, बैंड बज गई है घूम घूम करके। एंड यार गाइस एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ, गर्मी में मत आना प्लीज़, गर्मी में मत आना उड़ीसा जगन्नाथपुरी, बिल्कुल मत आना गर्मी में, हालत ख़राब हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, एक दिन और हमें स्टे करना है, अभी कल का टाइम है और फिर परसों हमारी रिटर्निंग की ट्रेन है, ठीक है। तो अभी एक और ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का, चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।